हर एक शहर बिल्कुल एक किताब की तरह होता है, जिसे पढ़ने के लिए आपको वहां रहने वाले लोगों के साथ मिलकर उस शहर को जीना पड़ता है। और जैसे ही आप वहां रहने वाले लोगों की तरह जरा भी नजर आने लग जाते हैं, तो वो शहर आपको एक किस्सा दे देता है, एक ऐसा किस्सा जो आपके लाइफ लेसन में से एक बन जाता है। कॉलेज के फोर्थ ईयर में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू मुझे और मेरे रूममेट को वेस्ट इटली के एक छोटे से शहर पेलेर्मो भेजा गया था। I had never seen a city like this before. Palermo is called the city of mafias because till late 1960s, the mafia culture existed there. Old historic buildings with four big gates in the four major directions marking the start and the end of the city, with one side touching the Mediterranean Sea. It's a small yet beautiful city with a slice of history, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि दुनिया हमेशा से ही कितनी खूबसूरत रही है। उस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में 5 अलग अलग देशों से बच्चे आए थे जो 9 दिनों तक साथ रहकर पेलेर्मो और उसके आसपास वाली जगहों को एक्सप्लोर करने वाले थे। मैंने ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की वहां जो मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता। जैसे शहर के एक छोटे से अनोखे कोने में मैंने एक बड़ी वॉल पेंटिंग देखी, एक खूबसूरत सी अफ्रीकन वुमेन की, और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि भला यूरोप के इस छोटे से शहर में एक अफ्रीकन वुमेन की पेंटिंग कर क्या रही है। तब जाकर मुझे पता चला कि वहां पर वॉल पेंटिंग का एक अनोखा कल्चर है, जिसके तहत लोग वहां रहने वाले लोगों को रिवॉर्ड और अप्रिशिएट करते हैं। सो जिस बिल्डिंग पर उस औरत की पेंटिंग बनी हुई थी, दरअसल वो वहीं रहती है। किसी को भी मालूम नहीं है कि वो कहां से आई है। सालों से वो वहां रहकर पूरे दिन काम करती और शाम में अपनी कमाई हुई तनख्वाह से वहां रहने वाले लोगों की खाना देकर मदद करती, और इसलिए उनकी बिल्डिंग के ऊपर उनकी ही बड़ी सी वॉल पेंटिंग बनाई हुई है। फिर थर्सडेज को वहां वाया मदीना नाम की एक सड़क पर पूरी रात मजिशियंस, जगलर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस मिलकर परफॉर्म करते। वहां से गुजरते हुए मैंने सोचा कि यार, इससे खूबसूरत आज तक मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं है। 9 दिन होने तक उस शहर ने हमें अलग अलग चीजों का अनुभव करवाया, हमें नई नई चीजें सिखाई। 9 दिन खत्म होने पर हमें लगा कि यह शहर अब हमारा अपना हो गया है। हमें वहां की लोकल लैंग्वेजेस समझ में आने लग गई, आसपास के लोग हमें पहचानने लग गए, और कैफेज में सारी चीजें समझ में आने लग गई। तो शहर छोड़ने से पहले आखिरी दिन मेरे रूममेट और मैंने डिसाइड किया कि चलो कहीं एक नए कैफे में जाकर कॉफी पीते हैं और साथ ही इस 9 दिनों को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने एक ऐसा कैफे ढूंढा जहां हम आज से पहले गए नहीं थे, वहां जाकर कॉफी ऑर्डर की और साथ में बैठने के लिए जगह ढूंढने लग गए। कैफे छोटा सा था, इसके बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। ध्यान से देखा तो नजर पड़ी एक टेबल पर, एक 3 कुर्सी वाले टेबल पर, जिस पर 2 चेयर्स खाली थी। तो मैंने अपने रूममेट को इशारा किया और सीधा उस टेबल की तरफ पहुंच गया। वहां पहुंचकर बैठे हुए शख्स से मैंने पूछा, एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड कैन वी जॉइन यू। वो देखने में बिल्कुल इंडियन ही लग रहे थे, करीब 23-24 साल की उनकी उम्र होगी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, यस व्हाई नॉट। हम जैसे ही बैठे, फट से मेरे रूममेट ने पूछ दिया, और सर आप इंडिया में कहां से हैं? और वो हंस पड़े और कहने लगे कि जी मैं यहीं सिसली में रहता हूं, और वैसे मैं लाहौर से हूं, पाकिस्तान। ये बात सुनकर हम तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। और आप दोनों कहां से हो? उन्होंने इतने प्यार से मुझे ये बात पूछी कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम से यहां आए हैं, ये आज का हमारा आखिरी दिन है और अब हम बस सीधा एयरपोर्ट निकलने वाले हैं। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो गए और हंसते हुए कहा, सो इट मस्ट बी अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप। हाँ। And we both smiled and said, yes. कॉफी का पहला सिप लेते हुए मेरे रूममेट ने उनसे पूछ दिया कि आप यहां कब से रह रहे हैं? और अब तक हमारी जान पहचान और दिलचस्पी भी बढ़ चुकी थी, तो बहुत अच्छे से उन्होंने आगे से बताया कि जब वो 2 साल के थे तो उनके डैड पूरी फैमिली को लेकर लाहौर से सिसली शिफ्ट हो गए,
और तब से वो यहीं रह रहे हैं। इस दरमियान कई दफा वो लाहौर हो आए हैं। उनकी बातों के बीच में अचानक मेरी नजर उनके पास रखी हुई एक शानदार सी हेलमेट और राइडिंग ग्लव्स पर गई। मैं उसे एक टक देखता ही रह गया। उन्होंने मुझे वो देखते हुए देख लिया और कहा कि मैं एक रोड ट्रिप पर हूं यहां पर, रोड ट्रिप और वो भी बाइक पर। यह सुनते ही मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई, क्योंकि रोड ट्रिप्स और बाइक से तो मैं हमेशा से एक्साइटेड हो जाता था। मैं और क्यूरियस हो गया और मैंने पूछा कि आप अपने कौन से दोस्त के साथ यहां ट्रिप पर आए हैं? तो वो हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, आप उसे मेरा दोस्त तो कह सकते हैं, पर उम्र में वो मुझसे थोड़े बड़े हैं, दरअसल वो मेरे डैड हैं। रोड ट्रिप विथ डैड, दैट्स सरप्राइजिंग एंड ऑसम। वी बोथ वर बोथ कंफ्यूज्ड एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम। और वो आगे बताने लगे कि कैसे जब वो अपनी फैमिली के साथ लाहौर से सिसली शिफ्ट हुए थे, हिज डैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो ऑन अ बाइक ट्रिप फॉर अ वीक और मे बी बिट लॉन्ग। उन्होंने कई बार इस बारे में इनसे बताया था, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस एंड फैमिली प्रेशर हिज डैड हैड टू गिव अप ऑन हिज ड्रीम्स। बट ईयर्स पास्ड अवे एंड व्हेन हिज डैड गॉट रिटायर्ड फ्यू मंथ्स अगो, ही रिक्वेस्टेड हिम टू कम ऑन अ रोड ट्रिप विथ हिम, बट हिज डैड स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग। आफ्टर सम टाइम एंड पर्सुएशन हिज डैड अग्रीड एंड फाइनली दे बोथ आर ऑन अ रोड ट्रिप। वो अभी कुछ देर पहले ही यहां पहुंचे हैं। उनके डैड होटल में आराम कर रहे हैं और वो बाहर निकल कर आए हैं आसपास की जगह देखने के लिए, ताकि शाम में वो दोनों साथ में घूम पाए। ये बताते ही उनकी कॉफी खत्म हो गई और उनकी नजर उनकी घड़ी पर गई और उनने कहा कि अब मुझे थोड़ी देर हो रही है, चलना चाहिए, डैड उठ गए होंगे। उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया और साथ ही कहा दैट हाउ हैप्पी ही वॉज टू सी अस, एंड वी बोथ रिप्लाइड एंड सेड यस लाइकवाइज। आफ्टर ही लेफ्ट we both stood there and kept talking about him, that how cool he is. We then booked our cab and started heading towards the airport. On our way to the airport, I looked outside to the dimly lit city of Palermo and thanked it for teaching me this beautiful life lesson right before leaving the city. Ki kaise hamare mata pita ke bhi na jaane kitne aise sapne hote hain jo wo kinhi majbooriyon ki wajah se pura nahi kar paaye hain। बातों ही बातों में कई दफा उन्होंने उन सपनों का जिक्र किया है हमसे, मगर हमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है, उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। हमारे लिए ये महज बातें होती हैं, मगर उनके लिए उनके जिंदगी के इंपॉर्टेंट सपने होते हैं। उस दिन पेलर्मो एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने माता पिता के कोई एक सपने को जरूर पूरा करूंगा और उसे उनके साथ जीऊंगा। और साथ ही मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि अपने घर वालों से, अपने माता पिता से बात करिए और उनसे उनके उस सपने के बारे जानने की कोशिश करिए जिन्हें वो कुछ मजबूरियों की वजह से पूरा नहीं कर पाए, और फिर एक पहल करिए उन सपनों को उनके साथ जीने की, क्योंकि उन्होंने न जाने आपके कितने सपने पूरे किए हैं। आप भी तो कोशिश करिए उनके कुछ सपने पूरा करने के लिए।